हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो आपके आने वाले एग्जाम यूकेपीसीएस ग्रुप सी के पटवारी लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका भूगोल का। विश्व भूगोल चल रहा है जिसमें हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक के सारे वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको देख लेना। हिंदी की क्लास यहाँ पर आपके पैरेलल चलाई जा रही है। डेली आपको एक वीडियो दी जा रही है जिसमें कि पत्र लेखन मैं करा रहा हूँ। पत्र लेखन को आप करिए, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साथ में अगर आप उत्तराखंड का जो भूगोल है उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। विश्व का इतिहास जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक आपका रहेगा हिस्ट्री का, वो मैंने कंप्लीट करा रखा है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको इन सारी चीज़ों की हेल्प लेनी है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अभी आजकल आप देख ही रहे हैं मौसम परिवर्तन हो रहा है, डेली बारिश हो रही है अच्छे तरीके से। तो ऐसी स्थिति में आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है जो कि आपकी है हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सुनते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये सभी को पता होगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सारी चीज़ें अच्छे से चल रही होती हैं। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है ऐसी स्थिति में, तो आने वाले जो 2 महीने के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रभावित आपका हो सकता है। तो इसलिए बी केयरफुल, अच्छे से रहिए और गर्म कपड़े पहन लें और ज़्यादा बारिश में ना जाएं बाहर, भीगे ना। तो ये सारे प्रिकॉशन हैं जो कि आप ले सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ध्यान नहीं देते और हल्का सा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने पर ये सोचते हैं कि यार ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहते कहते उनके एक एक हफ्ता निकल जाता है, 10-10 दिन निकल जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि 10 दिन तक तो पढ़ाई भी नहीं हुई है। और आपका एक एक मिनट, एक एक घंटा आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल। और इस कंडीशन में अगर आपकी तबीयत खराब होती है या फिर थोड़ा सा भी कुछ इफेक्ट इस तरीके का होता है हेल्थ पर, तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा और आपका जो लक्ष्य है, एक टारगेट है, वो टारगेट में आपको थोड़ी सी रुकावट पैदा हो सकती है। तो आई होप आप अपनी हेल्थ का ध्यान देंगे। इसी उम्मीद से आज की क्लास को हम करते हैं शुरू। और आज हम बात करेंगे, आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व भूगोल का। विश्व भूगोल हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक कवर कर ली हैं। उन सभी वीडियोज़ को आप देखना अच्छे तरीके से। और ये जो मैं करा रहा हूँ आपको विश्व भूगोल, ये एक ऐसी क्लास है, एक आप ये मान के चलो आने वाले समय में आप जितने भी एग्ज़ाम देने के लिए बैठोगे, उन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके, चाहे वो UKSSC UKPCS के आपके जितने भी पेपर हैं आने वाले समय में, या फिर अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम देने बैठोगे या SSC के एग्ज़ाम, तो वहाँ पर भी GS में जो पूछा जाता है वो यहीं से आपको कवर मिल जाएगा। आप अच्छे से इन वीडियोस को देखिए और यहाँ से थोड़ा सा आप लाभ उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिटेल में मैं करा रहा हूँ, यहाँ से आपके कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, इसलिए इसको आप सीरियसली देखिएगा। विश्व भूगोल में आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं ये आज हम देखेंगे। कल की वीडियो में जब हम ज्वार भाटा पढ़ रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि युति और वियुति की स्थिति हमने देखी थी। युति और वियुति की स्थिति हमने क्या की थी, देखी थी, ठीक है। अब ये युति और वियुति क्या होता है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था कि जब सूर्य, ये हमारा सूर्य है, सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, जब तीनों एक ही सीधी रेखा पर आ जाते हैं, यानी कि तीनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 180 अंश का कोण बनेगा, ये जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो उन स्थिति को हम युति और वियुति की स्थिति कहते हैं। युति की स्थिति कब होती है, जब आप ये चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यहाँ पर ये जब चंद्रमा मून आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा उसको हम कहते हैं युति की स्थिति। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है उस कंडीशन को हम कहते हैं वियुति। ये कल हमने पढ़ा था, आज हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ से हम समझने की करेंगे कोशिश चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को।
तो हेडिंग डाल लो आप सभी लोग, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण आज हम देखेंगे। अब आप ये देखो, सूर्य जो है वो प्रकाश का स्रोत है। चाहे हम ब्रह्मांड का कोई भी हिस्सा ले लें, वहाँ पर जो ये सूर्य है वो क्या करता है, एक ऊर्जा का स्रोत है, चाहे वो पृथ्वी हो या फिर चंद्रमा। अब ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये इस पर सूर्य क्या करेगा, इस प्रकार से रोशनी डालेगा, सूर्य की किरणें इस प्रकार से आएंगी इस पृथ्वी पर, और ये हमारी पृथ्वी जो होगी प्रकाशमान होगी। हमारी पृथ्वी क्या करती है, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी आपको पता है। अब पृथ्वी का हमारा एक उपग्रह है जिसको बोलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है इस प्रकार से, ये भी आपने पढ़ा है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है ये चीज़ें ग्रह वाले चैप्टर में। अगर ये चंद्रमा है, अभी यहाँ पर है, इस तरीके से गति करते करते ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये गति करता रहेगा। अब जब गति करते करते ये चंद्रमा इस तरीके से इन सूर्य की किरणों को छुपा दे पृथ्वी पर आने से, आप देख रहे हैं अब ये जो हमारा चंद्रमा है ये कहाँ पर आ चुका है, ये आ चुका है यहाँ पर। ये तो ये जो सूर्य की किरणें हैं अभी तक पृथ्वी पर आ रही थी, ये वाली सूर्य की किरणें जो अभी तक पृथ्वी पर आ रही थी, अब वो क्या करेंगी, पृथ्वी पर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे पृथ्वी के बीच पर आ चुका है। अब ये चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगेगी। जब भी किसी भी वस्तु पर कोई वस्तु की छाया पड़ती है उसको हम बोलते हैं ग्रहण लगना। तो यहाँ पर हमारा पृथ्वी पर क्या लगेगा, ग्रहण लगना शुरू होगा। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो चंद्रमा है और नीचे आ गया, घूमते 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 और नीचे आ गया, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ गया हमारा चंद्रमा। हम पृथ्वी को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, चंद्रमा को छोटा बना लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी बड़ी है, ये हमारी पृथ्वी है, और चंद्रमा को मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, ये चंद्रमा है और ये इसकी परिक्रमा की कक्षा है, ये परिक्रमा की कक्षा है इसकी। अब देखो यहां से क्या आ रही है, सूर्य की किरण आ रही हैं। अब जब ये सूर्य की किरणें इस प्रकार से आएंगी, यहां पर आएंगी, पहले चंद्रमा के इस वाले भाग पर आएंगी, लेकिन इस वाले भाग पर क्या करेगी, ये छाया उत्पन्न करेगी, और छाया वाला जो भाग होगा इस प्रकार से, यहां पर क्या होगी, छाया होगी इसकी, यहां पर अंधकारमय होगा, सूर्य की किरणें अब हमारी इस वाली पृथ्वी के ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर पृथ्वी पर सूर्य की किरणें नहीं आ पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये वाली कंडीशन होती है जहां पर ये छाया होती है उसको हम बोलते हैं अम्ब्रा, UMBRA, अम्ब्रा मतलब छाया। अब जब ये सूर्य की किरणें यहाँ पर टकराएंगी इसके कोने पर, यहाँ पर इस कोने पर या इस कोने पर, तो ये सूर्य की किरणें क्या होंगी, यहाँ से टकरा के फैलेंगी, जब फैलेंगी तो यहाँ को आएंगी और यहाँ को आएंगी। अब हम देखेंगे इस स्थिति में कि हमें सूर्य का यहाँ पर ये वाला जो भाग है वहाँ पर हल्की सी छाया दिखाई देगी, हल्की सी छाया यहाँ पर दिखाई देगी ये वाले भाग पर और ये वाले भाग पर, इसको हम बोलते हैं पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेनुम्ब्रा। अब ये वाली जो कंडीशन होती है, मैंने जब कहा था कि तीनों एक शीत पर होते हैं और चंद्रमा बीच पर होती है, उसको हम बोलते हैं युति, यानी कि युति वाली कंडीशन हो रही है। और ऐसी कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन होती है हमारी अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन। तो इसे जब चंद्रमा पूरी यहाँ पर अपने प्रकाश, यहाँ पर इसकी छाया आती है, तो इसको बोलते हैं हम पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, इस स्थिति को हम बोलेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा,
जब इसका जो चंद्रमा है इसका पूरी छाया हमारी पृथ्वी पर पड़ रही है और हमें सूर्य का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पर से? यहाँ पर से। ये अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, अगर यहाँ पर खड़ा है तो उसे सूर्य की थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर हल्का सा क्या है, प्रकाश है। तो इसलिए यहाँ पर की जो स्थिति बनेगी उसको हम बोलेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। और ये जो ग्रहण होता है ये कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है और इसके लिए कंडीशन क्या क्या होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, आप इसको बना लें और फिर हम चलेंगे चंद्र ग्रहण पर। सूर्य ग्रहण में एक चीज़ और आप समझ लेना कि जो सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को उत्सर्जित करता है, यानी कि पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को डालता है। इसलिए हम कहते हैं कि आपने सुना होगा कि हमें अपनी नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, इसका इफेक्ट हमारी आंखों पर नेगेटिव पड़ता है। इसलिए क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती हैं उस समय। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण के समय कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं जो कि पृथ्वी पर पहुंचती हैं, वो है पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। अब हम चंद्र ग्रहण की अगर बात करें, चंद्र ग्रहण, ये जो चंद्र ग्रहण है ये कब होता है? ये आपका होता है पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं व्युति, इस कंडीशन को हम बोलते हैं व्युति। व्युति क्या होता है? जैसे ये हमारा सूर्य है और यहां पर है चंद्रमा, ये है चंद्रमा, इनके बीच में अगर पृथ्वी है, ये क्या है हमारी पृथ्वी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं व्युति। क्योंकि चंद्रमा जो है अपना चक्कर लगाती है सूर्य के, तो कोई कंडीशन ऐसी भी तो आएगी जब ये पृथ्वी के पीछे होगी और सूर्य इसके सीध में होगा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं व्युति, जब तीनों एक 180 अंश का कोण बना रही होगी। इस कंडीशन में देखो सूर्य अपनी प्रकाश किरण तो भेजेगा ही, वो तो हर हमेशा अपना काम करता रहेगा, लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर पृथ्वी पर, पृथ्वी के जो ये वाले भाग है पीछे वाला भाग, आधा भाग तो इसका प्रकाशमान होगा लेकिन इसके ये वाले भाग पर क्या होगा, अंधकारमय होगा। दिन और रात, मैंने आपको बताया था दिन और रात क्यों होते हैं, क्योंकि आधे वाले भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है तो वहाँ पर अंधेरा होगा, अंधेरा होगा तो वहाँ पर रात होगी। जब यहाँ पर रात होगी तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पा रही है तो इसकी जो छाया है वो चंद्रमा पर पहुँचेगी। तो ये जो छाया यहाँ पर पहुँच रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रकाश नहीं है, जब प्रकाश नहीं है तो इसको हम बोलेंगे क्या, अम्ब्रा। अब देखो अगर सूर्य की किरण इस प्रकार से आई, इस प्रकार से चले गई, ये तो अब हमारे पास जो ये सूर्य की किरण है यहाँ पर हल्का सा प्रकाशमान करेंगी, यहाँ पर भी हल्का प्रकाश होगा, तो इस स्थिति को बोलते हैं पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा। अब आप देखेंगे ये वाली कंडीशन, जब अम्ब्रा की कंडीशन बन रही है और चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, तो इस स्थिति में हम बोलेंगे क्या होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा का, चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश थोड़े आंशिक रूप में दिखाई दे रहा है, जब ये कंडीशन बन रही है पेनुम्ब्रा की, इसको बोलेंगे आंशिक, आंशिक चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। तो इतनी चीज़ें हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इनको कर ले जाना।
अम्ब्रा की कंडीशन कब बनती है, पेनुम्ब्रा की कंडीशन कब बनती है, आंशिक जो चंद्र ग्रहण है वो कब बनेगा और पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो कब बनेगा, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर से पूछी जाएंगी। और ये कंडीशन कब बनती है, पूर्णिमा के दिन बनती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ से एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था आपका जो कि थोड़ा सा आपका यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने बताने की आपको कोशिश की कि एक वर्ष में कितनी बार सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो है 7 बार। ठीक है, एक वर्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो स्थिति बनती है वो 7 बार बनती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम अगली वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। और तब तक बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।